कैसे आप लोगों ने ध्यान किया, आप लोगों ने पूजा की, आप लोग 15 दिन अभी लोग कह रहे थे ना कि हम शिवरार्थियों के पूरे आवश्यक पले के नहीं पले धर्म। देखिए आपका स्थिति, आपकी मशीन के द्वारा नापा गया एनर्जी लेवल 8 दिन का, सामान्य रूप से जो जल होता है उसकी 4000 एनर्जी होती है, मिनरल वाटर की 2000 एनर्जी होती है और कुआ और ज़मीन की 8000 होती है, जमुना जी का 35000 एनर्जी लेवल है, नर्मदा जी का सबसे ज़्यादा 65000 है और उससे ज़्यादा गंगा जी का 1,00,000 एनर्जी लेवल है। आज के अभिषेक का गंधोदक 1,75,000 था। वाह, गंगा जी का, नर्मदा जी का 65000 और गंगा जी का लेवल 1,00,000 है, लेकिन आज का गंधोदक। और सुनिए, जब सारे शिवरार्थियों को हमने गंधोदक दिया और बचे हुए गंधोदक का जो एनर्जी लेवल नापा, 3,00,000 निकला। ओहो, ये आपकी, आपके मशीन जो जब अभिषेक को गए शांति धारा करने के, तो 1,75,000 था, 1,75,000। जब सबको अभिषेक देने के बाद जो कटोरे में गंधोदक बचा, उसका एनर्जी लेवल 3,00,000 पहुंच गया था। आगरा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, यही गंधोदक जब ललितपुर में नापा गया था तो 2,50,000 तक पहुंचा था, यहाँ 3,00,000 पहुँच गया। सामान श्रावक की एनर्जी 2,000 से लेकर 30,000 तक होती है। शिवरार्थियों की एनर्जी प्रथम दिन एक दिन पूरा होने पर नापी थी तो 18,000 और 40,000 प्रमाण थी। अब आज की तारीख में एनर्जी जो है शिवरार्थी की, आज की एनर्जी लेवल 2,00,000 पहुंच चुका है। बहुत शानदार। मैंने जब आप आए थे तो 18,000 से शुरू हुई थी, 18,000 पहले दिन, और आज जो दिन है 2,00,000 तक पहुंच चुकी है। अभी 2 दिन बाकी हैं। पिछले शिविरों की अपेक्षा इस शिविर का एनर्जी लेवल आज की तारीख में, जैसे वो कहते हैं ना, इस तारीख में वर्षा हाईएस्ट हुई, 10 सालों से नहीं हुई इस तारीख में, ऐसे ही इस तारीख के अंदर अभी तक अन्य शिविरों का इतना एनर्जी लेवल नहीं निकला। क्या बात है, वाह। और सबसे बड़ी बात तो ये निकली कि जिस समय श्रावक लोग आहार करा रहे हैं, उस समय आहार में परोसने वाले और आहार देने वाले लोगों का भी एनर्जी लेवल 1,00,000 तक पहुंच गया है। क्या बात है, वाह, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन। ये मकराना के संदीप बाबू हैं, ये हर साल ये निकालते हैं, पर ये मशीन से निकालते हैं, हम अपने दिमाग से निकालते, फर्क इतना।